पाकिस्तान की आवाम के जो वादे किए थे उन वादों की तकमील आज तक नहीं हुई थी शायद सर। देखिए मैं हमेशा बयान देते वक्त इज्जत और एहतराम के दायरे में रहता हूँ, मैं कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं करता और मैंने कभी भी बिलो द बेल्ट ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए बात की ना किसी और सियासी लीडर या सियासी जमात के लिए बात की है। मैं समझता हूँ कि अपने शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर सियासी जमातें साथ बैठती हैं, मिलकर काम करती हैं, एक पॉजिटिव चीज़ है। और मैं समझता हूँ माजी की तलखियों से, माजी के तल्ख तजुर्बात से हमको सबक हासिल करते हुए अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी अमल दरामद की तरफ जाना चाहिए। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों की दो बातें हैं मैं जो बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि गुलजार साहब का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिंध हुकूमत समझती है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जब भी हमने उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की, हमने अपील फायर नहीं की, तो हमारी कमिटमेंट नज़र आती है। दूसरा बात है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख़ुद कहती है कि उसके मैंडेट के ऊपर चाइना कटिंग जो है वो पीटीआई ने की है। पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि हमारे मैंडेट के ऊपर चाइना कटिंग जो है वो पीटीआई ने की है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों इश्यूज़ वो कॉमन पॉइंट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पॉलिटिकल डिफरेंस को निकाल के साथ बैठकर अपने शहर की, अपने सूबे और अपने प्यारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने के लिए सर जोड़ के बैठ सकते हैं इंशाल्लाह। ये कर देखिए सड़कों का एक बड़ा बुनियादी इशू इस शहर के अंदर है, लेकिन मैंने आपको गुजारिश की कि जब सरकार अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है, करने जाती है, तो उसमें बड़ी दिक्कतें हमको आती है। प्रोसेस बड़ा टीडियस है, बड़ा कंबर्सम है, जिसको मैं इस वक्त तब्दील नहीं कर सकता। आप जानते हैं अखबार में ऐड देना पड़ता है, उसके बाद टेंडरिंग होती है, फिर ठेकेदार लड़ते हैं। आप सबको पता है केएमसी में किस तरह के मसाइल हमारी इंतज़ामिया को फेस करने पड़ते हैं। तो हम सड़कों के ऊपर काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ निगलेक्टेड अगर ज़िला था तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल था, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अब सड़कों के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, वहाँ पार्क्स पे, ग्रीन स्पेसेस के ऊपर काम हो रहा है। ज़िला कुरंगी के अंदर तो मेरे भाई 8000 रोड हो, 12000 रोड हो, 2.5 नंबर का ब्रिज हो, 5 नंबर का ब्रिज हो, वो हमने बनाया। उसके बाद जो फिशरमैन राउंड अबाउट है उसके एरिए की तदीन आरइश की, अभी हम 14000 रोड को बनाने जा रहे हैं। उसी तरह जो EBM कॉजवे के ऊपर से एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाने जा रही है। मैंने खुद तकरीबन कुछ 14-15 पार्क्स का यह वज़ीर बल्दियात में वहाँ पर इफ्तिताह किया। जो शाफेसल कॉलोनी की आपने बात की, उस ब्रिज की, वो एक्सपेंशन जॉइंट्स का हमने टेंडर कर दिया है, टेंडर अवार्ड हो गया है। उसकी जो इक्विपमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है एक्सपेंशन जॉइंट्स का, वो मेरे ख्याल में अनकरीब आने वाला है। उसके बाद हमारे अंडर पासेज और ब्रिजेस के ऊपर वो जो एक्सपेंशन जॉइंट्स लगने थे वो लगने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। कुरंगी के अंदर सफाई की सिचुएशन बेहतर हुई है, बिकॉज कुरंगी के दो जोन्स के अंदर, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और शाफेसल जोन के अंदर, सिंध सॉलिड वेस्ट ने काम करना शुरू कर दिया और इंशाल्लाह अगले एक महीने में बाकी जो दो जोन रह जाएंगे, लांडी का और एक और जो है गोटों की तरफ, वहाँ पर भी इंशाल्लाह सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर लेगी। हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह अगले एक महीने के अंदर मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर भी सिंध सॉलिड वेस्ट ऑपरेट करना शुरू कर दे, ताकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम का जो कचरे का इशू है उसको हम रिजॉल्व कर सकें और उनको रिलीफ दी जा सके। मेरे ख़्याल में हर सियासी जमात को हक हासिल है कि वो गुफ्तगुशनीद करे, जो अपने मुतालबात हैं वो सामने रखे। कुछ मुतालबात वो रखते हैं, कुछ मुतालबात हम रखते हैं और उसके ऊपर बातचीत होती है। लेकिन मैं समझता हूँ
कि इन प्रिंसिपल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और उनके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है और रेलिवेंट टाइम पे इन तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ से, ये जो तासुर आपने दिया, इसकी आप नफी इस तरीके से कर सकते हैं कि वो सियासी जमात जो कि वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, चाहे वो बाप हो, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ रही है, मिल रही है, वफाकी वुज़रा हमसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ये शो करता है ना कि चीज़ें दुरुस्त सिम्त में आगे बढ़ी हैं। एट द राइट टाइम इंशाल्लाह चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि घबराहट का वक्त हुआ चाहता है, बौखलाहट का वक्त हुआ चाहता है, वजारत जाने का वक्त हुआ चाहता है, तो वो परेशानी है जिसकी वजह से इस तरह के बयानबाजी की जाती है। मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, देखिए इज़्ज़त व एहतराम के साथ रिस्पेक्टेबल अंदाज से आपको तनकीद करनी है, आप किसी के ऊपर करें, लेकिन ये जो बिलो द बेल्ट नुक्ताचीनी की जाती है, जो धमकी आमेज रवैया दिखाया जाता है, ये इनअप्रोप्रिएट है, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह के सियासी लीडरान जो कि बुलंद ओहदों पर फ़ायद है, उनको तो बिलखसूस एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह की बातें करके हम क्या साबित करेंगे? लास्ट क्वेश्चन, ऐसे वार्निंग दी थी, ऐसे ऐसे दी थी, बार बार ऐसे ही कर रहे थे ना, छोड़े यार। मैं इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में क्या नहीं कहा, रिकॉर्ड पर हैं वो चीज़ें या नहीं? तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के बारे में इल्ज़ामात लगाएं, बिलो द बेल्ट बातें करें और फिर जब कोई जवाब दे तो आप इस तरह की बातें कर लें। मैं समझता हूँ वो पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन ने मीडिया से बात करते हुए, टीवी चैनल पर गुफ्तगु करते हुए उन्हें इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, तो खुदारा मैं समझता हूँ वो ताली दोनों हाथों से बचती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी की इज़्ज़त और आबरू को ख़राब करें बार बार और फिर आप ख़ुद एक्सपेक्ट कर लें कि आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब को थोड़ा सा सीनियर आदमी है, ज़रा सोचना चाहिए। शेख रशीद साहब ने ख़ुद बिलावल साहब के बारे में कितनी शर्मनाक बातें नहीं की, मैं तो उनको भी कंडेम करता हूँ। तो खुदारा खुदारा इन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि किस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि अपनी वजारतों को बचा सकें या कुछ पॉइंट स्कोरिंग कर सकें। लास्ट क्वेश्चन, पच्चीस जुलाई को 2018 को इमरान खान साहब ने आवाम से वादा किया था सरप्राइजेज का, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, 200 अरब डॉलर वापस लाने का, मईशत को मजबूत करने का, छोटी सी काबीना का, गुर्बत बेरोजगारी महंगाई को कंट्रोल करने का, ये सारे उन्होंने सरप्राइजेज का ऐलान किया था 24 जुलाई 2018 को। 25 जुलाई को आवाम उस गुमराहकुन बयानात पर फिसल गई, कुछ लोगों ने वोट दे दिया, कुछ लोगों ने उनको सेलेक्ट कर दिया। 3.5 साल में उनमें से कोई एक सरप्राइज पूरा नहीं हुआ, वो तमाम सरप्राइजेस शौक में तब्दील हो गए, अंग्रेज़ी वाला शौक, उर्दू वाला शौक नहीं, अंग्रेज़ी वाले शौक में तब्दील हो गए। और आज तक वो शौक पाकिस्तान की आवाम को लग रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की संजीदा सियासी जमातों ने फैसला किया है कि वक्त आ गया है कि इन शौक को ख़त्म करें और जो बेहतरी का सफ़र है उसको एक बार फिर स्टार्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया।